इतनी खुशी होती है जब भी आपकी फिल्म दिखाई जाती हो, आपका काम है, आप चाहते हो लोग देखें, और इससे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि फुल हाउस है, ऑडियंस रेसिप्रोकेट कर रहा है इस फिल्म के प्यार को, और अच्छा लग रहा है। आज ये शायद शाहिद का आखिरी स्क्रीनिंग है, आखिरी पब्लिक स्क्रीनिंग है, मतलब दो साल से जो उसका एक फेस्टिवल रन चल रहा है, नेशनल अवार्ड्स और इस सारी चीज़ों के बाद, तो एक मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल दिन भी है। ये नहीं सोचा था, हमने सोचा था कि भाई हम ईमानदारी से बना रहे थे फिल्म, हम उम्मीद ज़रूर कर रहे थे कि हमारी ईमानदारी को लोग पसंद करेंगे, और हर फिल्म बनाने के वक्त आप ये सोचते हो कि लोग सराहेंगे, बस कोशिश करेंगे कि उम्मीद पर हम खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो हमारी अपनी उम्मीद है कि भाई हम इसी ईमानदारी के साथ, इसी सच्चाई के साथ फिल्म बनाएं, और हम अपनी खुद के जो एक्सपेक्टेशंस हैं पहले उन पर खड़े उतरे, और फिर हम मतलब जिन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है उनके उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे। सोच क्या, मतलब ये कहानी कहीं पर हमें कहानी मिलती है, कहानी जन्म लेती है, और कहानी से एक सोच उमड़ता है, फिर उसके बाद आप कहानी को नर्चर करते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, और कुछ कहानियों की किस्मत में फिल्म होती है, कुछ कहानी जो है मन में ही रह जाती है, तो शायद उनमें से एक कहानी है जो सोच से लेकर सफलता तक एक पूरा जो रास्ता है उसने तय किया। ये बहुत सारे कॉलेजेस में दिखाई गई थी, और मेरी पहले से ही ये उम्मीद थी कि ये फ़िल्म कॉलेजेस में दिखाई जाए, स्टूडेंट्स को दिखाई जाए, और मैं तो ये चाहता था कि ये फ़िल्म मुफ्त में दिखाई जाए, क्योंकि ये फ़िल्म हमारे युग का एक आईना है, और हमारे जो यूथ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है।